नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय राणा। एसआर फर्नीचर यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कृपया हमारे पीछे जो टीवी शोकेस देख रहे हैं उसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी खूबसूरती की बात करें तो आप एक बार देख लें, ठीक है। इसको मैंने कम से कम खर्चे में कम से कम लागत पर बनाया हूँ, ठीक है। और आप भी ऐसा टीवी शोकेस कम लागत पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बनाने का जो सिस्टम है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इसको 7 फीट पे वाटर लेवल से मैंने मार्किंग कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 इंच बाय 3 इंच का 6 पीस का पट्टी काटा हूँ। उसको मैंने दीवार में 2-2 फीट के अंतराल पे साहुल के मदद से जाम कर दिया हूँ, ठीक है। जाम करने के बाद पीछे का जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये सबको मैंने दीवार पे फिक्स कर दिया हूँ। फिक्स करने के बाद मैंने ऊपर का जो छज्जा है उसको मैंने 15 इंची दूरी पे और 3 इंची मोटाई 3 इंची पे मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है, ताकि इसमें लाइट आराम से लग जाए। जो आप देख रहे हैं लाइट लगा हो, वायर भी आराम से चला जाता है। उसके बाद मैंने इधर का भी व्हाइट कलर का सनमाइका के जॉइंट को छिपाने के लिए मैंने 3 वर्टिकल बनाया हूँ, जो 2x1.5 का है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं 1 इंची प्लाई से बना हुआ है, 2 को जोड़ के बनाया हूँ। बाहर में भी दोनों साइड माइका लगाने के बाद इसको स्क्रू के मदद से इसको फिक्स कर दिया हूँ। फिक्स करने के बाद मैंने इधर सेल्फ लगाया। सेल्फ लगाने से पहले दीवार को साहल किया हूँ। साहल करने के लिए मैंने इधर पे 19mm का प्लाई ठोका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 6mm से ये सेल्फ बनाया हूँ। 6mm की मदद से सेल्फ बनाया जिसमें वायर आसानी से आ सकता है और लाइट भी आराम से लग जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने टीवी लगने की जगह को मैंने 7x4 का रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने बाहर कर दिया क्योंकि रूफ लाइट लगाने के लिए इधर गैपिंग भी छोड़ा, 2 इंच का गैपिंग है, इधर रूफ लाइट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मैंने जहाँ का टीवी का एरिया वहाँ पे डिप कर दिया, डिप कर दिया। और इसकी लंबाई की बात करें तो 54 इंच है, हाइट की बात करें 34 इंच है। 54 इंच का टीवी लगेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे इधर बात करता हूँ, ये 6mm से बना हुआ है जिसका लंबाई 8 फीट है। 6mm प्लाई से बना है, यदि 19mm की प्लाई से बनाते हैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा क्योंकि इतना लोड नहीं ले सकता है। इसके लिए इसको 6mm प्लाई से बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये ड्रॉवर का लेंथ है 10 इंची, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 7 फीट है। इसकी डीप की बात करें तो ये 13 इंच का है जिसमें 12 इंच का ड्रॉवर आसानी से चल जाता है। इसको 3 भाग में बराबर भाग में डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल्फ की दूरी भी 6 इंच का रख दिया हूँ। यहाँ पे सॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे भी मैंने 8 इंच का गैपिंग छोड़ दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप किसी तरह का सुझाव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो वीडियो चैनल में नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, ठीक है।